हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हो टेक व्यू फॉर यू। और मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए एक और वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप टेक गैजेट्स के बारे में जो कि 250 रुपये के अंदर अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट्स क्या है, आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 250 के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न से मैंने मंगाए हैं आप सबके लिए, ताकि मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखा सकूं। साथ ही साथ इस वीडियो में आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं एक गिफ्ट। वो गिफ्ट है एक सरप्राइज़ गिव अवे। ये 2020 का पहला गिव अवे है हमारे चैनल पर, तो इस गिव अवे में ज़रूर से पार्टिसिपेट करिएगा। और ये गिव अवे के विनर्स कब अनाउंस होंगे तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, विनर्स मैं अनाउंस कर दूंगा। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहला रूल है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारा जो चैनल है टेक व्यू फॉर यू, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो सारे टाइम पे मिले। और जब मैं गिव अवे का विनर्स अनाउंस करूं तो उसका वीडियो भी आपको टाइम पर मिल जाए। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए और क्या करना होगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट 250 के अंदर लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और ये सारे प्रोडक्ट्स आप जीत सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, पहला जो प्रोडक्ट है 250 के अंदर जो मैंने मंगाया है, ये एक हाई स्पीड 4 USB अल्ट्रा स्लिम हब है। ये जेनक्यू टेक्नोलॉजी का ये प्रोडक्ट है। ये USB केबल है इसका, और USB केबल का जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छा आपको मिलता है, और क्वालिटी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर सामने 2 USB और पीछे 2 USB हब मिल जाते हैं, टोटल 4 USB हब है। और जेनक्यू टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग है, इसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जो USB हब है, इसके साथ अपने प्रोडक्ट जैसे कि आप अपने MI बैंड वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, प्लस मोबाइल वगैरह से डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके साथ कनेक्ट करके। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट्स, ये है आईबॉल का एक कार्ड रीडर। ये कार्ड रीडर भी 250 के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसमें 2 कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं आपको, जिसमें आप अपने कार्ड को लगा कर इसे अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में कनेक्ट कर दीजिए, और जो आपके मेमोरी कार्ड में जो फाइल्स हैं उसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ। तो जस्ट इसे अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में आप कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर जो स्पीड आपको मिलती है डेटा ट्रांसफ़र, जो फाइल ट्रांसफ़र की, वो भी बहुत अच्छी आपको स्पीड मिल जाती है। तो ओवरऑल ये कार्ड रीडर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं, और 250 के अंदर एक अच्छा ये डील है अमेज़न पे। इसके साथ यहाँ पर आ गया रूल नंबर 2, आपको हमारा जो चैनल है उसे फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। अब आ गया तीसरा प्रोडक्ट्स, ये है एक USB कीबोर्ड जो कि जेब्रोनिक्स का है, 250 के अंदर अवेलेबल है ये अमेज़न पे। और यहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड है ये, तो ये 250 के अंदर मैंने इसे मंगाया है अमेज़न से, और इसकी क्वालिटी कैसी है वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए इसका लुक एंड बिल्ड, तो ये बहुत सिंपल सा एक कीबोर्ड है, लेकिन 250 के अंदर बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। इस पर आपको यहाँ पर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग दिख जाती है, यहाँ पर कैप्स लॉक और नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक का एक ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पर ये नंबर हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर आपको रुपीज़ का एक साइन दिख जाता है इस कीबोर्ड के ऊपर। और ये USB के ऊपर चलने वाला ये कीबोर्ड है, और अगर USB केबल की लेंथ की बात करें तो ये भी आपको बहुत अच्छा एक केबल का लेंथ मिल जाता है यहाँ पर। आप इसे डेस्कटॉप के साथ बड़ी आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको 2 लेग मिल जाते हैं कीबोर्ड पे, जिससे आपकी इसे अपने टेबल वगैरह पर रख कर टाइप करने में आपको एक आसानी होती है, सुविधा होता है। और अगर हम कीबोर्ड की क्वालिटी की बात करें, टाइपिंग वगैरह की बात करें, तो टाइपिंग में मुझे ऐसा कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर, मैं बहुत आराम से इसे यूज़ कर पाया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैप्स ऑन ऑफ़ करने पे एक लाइट और इंडिकेटर चलता है इस कीबोर्ड के ऊपर। ओवरऑल ये कीबोर्ड बहुत
अच्छा मुझे लगा 250 के अंदर। और टाइपिंग की बात करें तो वह भी बहुत स्मूथ है। यहाँ पे मल्टीमीडिया बटन्स आपको दिख जाते हैं सारे कीबोर्ड के ऊपर, और ओवरऑल ये लुक्स एंड बिल्ड के हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया है। तो अगर 250 के अंदर आपको एक कीबोर्ड लेना है तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रोडक्ट्स है वो है एक वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला ऑप्टिकल माउस। ये भी जेब्रोनिक्स के ही माउस है। इसके अंदर आपको देखा जाए तो इसके अंदर आपको एक रिसीवर दिख जाता है जो कि माउस के अंदर ही है। इस रिसीवर से आप इसे पेयर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक सिंपल सा DPI का एक बटन भी दिख जाता है। DPI का कंट्रोल स्क्रॉल है और ये लेफ्ट एंड राइट क्लिक है। तो ओवरऑल ये बहुत सुंदर सा एक स्लिक सा इसके डिज़ाइन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग की हुई है। और ये बहुत हल्का और क्यूट सा एक माउस है जो हाथ में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। ओवरऑल अगर लुक की बात किया जाए तो ये 250 के अंदर बहुत अच्छा एक माउस है और हाथ में बहुत आसानी से फिट हो जाता है। और अगर हम इसे यूज़ और रिस्पॉन्स की बात करें तो पहले इसे ऑन कर लेते हैं। तो इसमें एक सिंगल बैटरी लगती है। आप इसे बैटरी जैसे इसके अंदर आप लगाएंगे ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है रिसीवर के साथ। रिसीवर को अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में आपको लगा देना है। और ओवरऑल ये माइस का जो माउस का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। क्लिक वगैरह बहुत अच्छे हैं और इस मुझे स्क्रॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखी। अब इसके साथ आगे यहाँ पर रूल नंबर 3, आपको कमेंट करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट जीतना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये माउस 250 के अंदर बहुत अच्छा है। वायरलेस माउस अगर आपको लेना है तो इस माउस को आप ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसी के साथ अब आ जाता है ये पांचवा प्रोडक्ट हमारा जो कि मैंने अमेजन से मंगाया है। ये एक 250 रुपये के अंदर अवेलेबल एक केस है जो कि अमेज़न के ऊपर मिल जाता है। लुक एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो देखने में बहुत सुंदर ये दिखता है ये केस। ये जिप की क्वालिटी है ये भी बहुत सुंदर अच्छी है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो दो कंपार्टमेंट हैं। यहाँ पर पहले वाले की तरफ आपको एक स्ट्रैप मिल जाता है जिसमें आप हार्ड डिस्क वगैरह आप फंसा सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा पाउच मिल जाता है जिसमें आप छोटी चीज़ों को रख सकते हैं। और लुक्स एंड बिल्ड बहुत अच्छा है। ये आपके प्रोडक्ट को एक प्रोटेक्शन देता है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह जो भी हैं तो आप उसे प्रोटेक्ट करता है। और ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप हार्ड डिस्क को आप यहाँ पर लगा दीजिए और अपने बाकी के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एक आईपॉड हो या पेन ड्राइव हो या चार्जर हो, ये सारे इस तरफ आप रख के इसे अच्छे से लॉक कर सकते हैं। ओवरऑल ये छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पर आप सीख अच्छी से आसानी से रख सकते हैं संभाल कर। और ये ट्रैवलिंग वगैरह के समय ये पाउच आप कैरी कर सकते हैं अपने बैग वगैरह में, इसे बड़ी आसानी के साथ आप रख सकते हैं ताकि आपके जो कीमती हार्ड डिस्क वगैरह वो डैमेज ना हो। तो ये पाउच ओवरऑल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इसमें आपको एक इसे आप कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क वगैरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप उसे सिक्योरली अच्छे से रख सकते हैं, डैमेज होने से बचा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आ गया रूल नंबर 4, आपको हमें स्क्रीनशॉट भेजना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इसके बाद अगर हम देखें तो ओवरऑल ये लुक एंड फील इसका बहुत अच्छा है। इसमें छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से रख सकते हैं, खोने का भी डर नहीं रहता अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं। और इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं, एक आपके प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपके हार्ड डिस्क वगैरह को डैमेज होने से भी बच जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल ये पाउच 250 के अंदर अच्छा है, बहुत अच्छा है और एक अच्छा प्रोटेक्शन देता है आपके गैजेट्स वगैरह को। तो दोस्तों ये हैं सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अमेज़न से मंगाया 250 के अंदर। इसकी क्वालिटी कैसी है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। और यहाँ पर जो गिव अवे हो रहा है उसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पर टोटल 3 विनर होंगे जिन्हें इस प्रोडक्ट्स में से 3 प्रोडक्ट्स लेने का मौका मिलेगा, जीतने का मौका मिलेगा। कैसे जीतना है वो सब कुछ मैंने यहाँ वीडियो में बता दिया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर दीजिए और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए और ये सारे प्रोडक्ट्स जीतने का
मौका मत गवाइए, ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैंने सब कुछ बता दिया। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा और गिव अवे भी करता रहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और गिव अवे में पार्टिसिपेट करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।